अब साहब क्या बन रहा है, चीजें हमारे पास खरीदने के लिए कुछ पैसे हैं नहीं। इंडिया अनाउंस्ड ₹200 करोड़ $25 मिलियन डेवलपमेंट एड फॉर अफगानिस्तान इन बजट 23-24। अच्छा, इसके ऊपर जो उनके सुहेल शाहीन है, तालिबान के स्पोक्स पर्सन, इंटरिम गवर्नमेंट जो है उनकी, उन्होंने इसको बड़ा वेलकम किया। पड़ोसियों के लिए क्या है? 2,400 करोड़ वो भूटान पे इन्वेस्ट करेंगे, विच इज मोर देन 10 टाइम्स व्हाट दे हैव एलोकेटेड फॉर अफगानिस्तान। उसके बाद वो बांग्लादेश को भी पैसे देने वाले हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं। उसके बाद नेपाल को काफी ज्यादा दे रहे हैं इस बार, 550 करोड़। फिर उसके बाद श्रीलंका को और मालदीव, म्यांमार, मंगोलिया, अफ्रीकन, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को। अहम खबर है, IMF के मुतालबात ने महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया है। आप सब लोग इस नुकसान, इस दिवालियापन, इस खुलांचपन के जिम्मेदार हैं। हम तो 18 रुपीज किसी को नहीं दे सकते सर, तो $18 बिलियन हमारी जेब से कहां से बरामद होंगे? आप सब लोग जिम्मेदार हैं, जो हालात आज हुए, मुल्क बर्बाद हो रहा था और आप नीरू की तरह बांसुरियां बजा रहे थे। तो क्या ये एक डिप्लोमेटिक विन कहा जा सकता है उस तरफ से? और यहाँ पर डिप्लोमेटिक फेलियर है इसका। और इसी के साथ ये भी कि इससे मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हों तो ये पैसा जो दूसरे कंट्रीज को मिला है पाकिस्तान की मदद के लिए भी दिया जा सकता है। पाकिस्तान इशू पर मैं बात करना चाहती हूँ, वो ये है कि इंडिया अनाउंस्ड ₹200 करोड़ $25 मिलियन डेवलपमेंट एड फॉर अफगानिस्तान इन बजट 23-24। अच्छा, इसके ऊपर जो उनके सुहेल शाहीन है, तालिबान के स्पोक्स पर्सन, इंटरिम गवर्नमेंट जो है उनकी, उन्होंने इसको बड़ा वेलकम किया। उन्होंने कहा है कि जो बोथ कंट्रीज है उनके बीच टाइज जो है वो उससे बड़े स्ट्रांग होंगे और बड़े अच्छे ताल्लुकात इस पे बढ़ेंगे। मेरा आपसे सवाल ये होगा कि सर क्या सोच के जो है ये कदम उठाया गया, क्योंकि इसमें क्या पाकिस्तान की तरफ से अब ये फिर बात जो है उठाई जा सकती है कि देखें अफगानिस्तान में जो है वो हमारे खिलाफ काम हो रहा है, हालांकि वहां पर तो ये कंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया है, लेकिन फिर भी क्या ऐसा कोई इशू रेज हो सकता है? देखिए, इंडिया चंद रोड्स बना रहा है, उनकी पार्लियामेंट भी इंडिया ने ही बनाई है। तो मैं देख रहा था बजट, इट इज एक्चुअली इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर। लास्ट ईयर 170 करोड़ इंडिया ने एलोकेट किया था अफगानिस्तान को, और इंडिया हैज एलोकेटेड 200 करोड़ नाउ दिस ईयर फॉर अफगानिस्तान। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एक तो एक आप डेवलपमेंटल एड दे रहे हैं अफगानिस्तान को, दूसरा तालिबान को रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं, तो किसको दे रहे हैं वैसे? यू नो, सो आई हैव अ फीलिंग कि इंडिया सेइंग कि गवर्नमेंट कोई भी हो, हम ये जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इसको फिनिश करेंगे, एंड दीज आर बेनिफिशियल फॉर अफगान्स, एंड इट विल ऑल्सो इंक्रीज इंडियाज गुडविल। तो बेसिकली वो विदाउट रिकग्नाइजिंग द तालिबान, दे आर कंटिन्यूइंग टू बिल्ड गुडविल इन अफगानिस्तान। ये ऐसे हथियार या TTP या इनको उनको नहीं दे रहे हैं। आपको याद है जब अफगानिस्तान पहली बार जब काबुल पे कब्जा कर लिया था 2021 में, तो पाकिस्तान के मिलिट्री और ISI वगैरह के जनरल्स वगैरह गए थे, याद है, विजिट करने। तो वहां पे इस तरह की इंडिया डजंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स वहां पे ना, मोस्ट ऑफ इट इज बिल्डिंग गुडविल विद द अफगान। आपको पता है कई सालों तक अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम दिल्ली में बेस्ड थी, दिल्ली में वो प्रैक्टिस करती थी क्रिकेट वगैरह। सो इंडिया इज ट्राइंग टू नर्चर अफगानिस्तान एंड इज ट्राइंग टू प्ले द रोल ऑफ बिग ब्रदर। मैं देख रहा था बजट में, काफी इंटरेस्टिंग बजट है, मैं आपको बताता हूँ उसमें किन किन कंट्रीज को पैसे दे रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसे जो दे रहे हैं वो भूटान को दे रहे हैं, विच आई फाउंड वेरी सरप्राइजिंग। $2,400 बिलियन यानी $250 मिलियन के करीब, 2,400 करोड़ वो भूटान पे इन्वेस्ट करेंगे, विच इज मोर देन 10 टाइम्स व्हाट दे हैव एलोकेटेड फॉर अफगानिस्तान। उसके बाद वो बांग्लादेश को भी पैसे देने वाले हैं कुछ 200 करोड़ के करीब, और फिर उसके बाद नेपाल को काफी ज्यादा दे रहे हैं इस बार, 550 करोड़। फिर उसके बाद श्रीलंका को, श्रीलंका का थोड़ा कम हो गया है सपोर्ट, और बांग्लादेश का तो उतना ही है जितना अफगानिस्तान को वो दे रहे हैं, और मालदीव, म्यांमार, मंगोलिया, अफ्रीकन, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को सिर्फ 250 करोड़ है, यानी अराउंड $30 मिलियन। सो जितनी जो बातें की हैं वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वगैरह, उसे मुझे नजर नहीं आ रहा है। मैं वो उसका, वो बजट का वो हिस्से का स्क्रीनशॉट आपको भिजा दूंगा,
यू कैन इंसर्ट इट सो पीपल कैन सी कि किन किन कंट्रीज को वो दिए हैं. बट देयर इज अ बट, इंडिया हैज डन अपना डेफिसिट उन्होंने कट किया है मेरे ख्याल से कुछ 6.5% से 5.9% इस बार. सो द डेफिसिट इज लेसर दिस ईयर देन लास्ट ईयर. और जो एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, देख के कह रहे हैं दिस इज डिजाइन टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो इंडिया में जो इंडिया की जो रैंकिंग है टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोल के एक कैटेगरी होती है, कितना आसान है इंडिया में बिजनेस करना. चंद साल पहले 180 था, बहुत मुश्किल था इंडिया में बिजनेस करना. अच्छा, इसके बाद फिर हमने देखा कि इस वक्त जो है खास तौर पर इस बजट आने के बाद तो ऐसा महसूस होता है, काफी दिनों से ऐसे ही कहा जा रहा है कि इंडिया वहां से ज्यादा करीब है अब, और वहां पे डेवलपमेंट के लिए काम भी हो रहा है, जबकि पाकिस्तान के ऊपर वहां से हमले हो रहे हैं. तो क्या ये एक डिप्लोमेटिक विन कहा जा सकता है उस तरफ से, और यहाँ पर डिप्लोमेटिक फेलियर है इसका? और इसी के साथ ये भी कि इससे मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हों तो ये पैसा जो दूसरे कंट्रीज को मिला है पाकिस्तान की मदद के लिए भी दिया जा सकता है. पाकिस्तान पड़ोसियों के लिए क्या है? पड़ोसियों के लिए कुछ कुछ पैसा तो इनवॉल्व किया है, पर पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं. सर होना चाहिए था सर, पड़ोसियों का भी हक होता है. तो बजट में जो है वो आप बहुत लोगों को जानते हैं, तो आप बिल्कुल मोदी जी तक ये बात पहुंचाइएगा कि बहुत गलत बात है कि उन्होंने अपने बजट में पड़ोसियों का बजट नहीं रखा, जो कि होना चाहिए था. आरजू जी, आपकी आपको तो कम से कम आपकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए तो $200 बिलियन चाहिए. सच बताऊं आपको, मतलब अगर 200 बिलियन आएंगे तो तब, और आप ये फिर ये अपना सिस्टम सारा रिवाइव कर दे तो तब तो कुछ बनेगा, क्योंकि 10 20 30 40 बिलियन में भी कुछ होगा नहीं. मतलब चोट पे बैंडेज लगाने वाला काम है. अगर चोट को ऑपरेशन करके ठीक करना, प्लास्टर करना और फिर मजबूत करना, तो 200 बिलियन डॉलर चाहिए पाकिस्तान को. उतना पैसा कहीं नहीं है अभी. और मुझे सबसे अच्छी चीज लगी कि हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रखा है. अगर आप वर्ल्ड में इन्फ्लेशन देखें, हमारी इन्फ्लेशन देखें,